हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोटो ब्रफ। और अब हम लोग करने वाले हैं वरना का टॉप एंड। अब देखते हैं कि टॉप एंड में कैसा परफॉर्म करती है ये गाड़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है लुक इसके। तो अब टॉप एंड देख। हाँ तो गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं इसका टॉप एंड और देखते हैं कितना ये गाड़ी भागती है। तो हेलो गाइस, अब हम इस गाड़ी का टॉप एंड करने वाले हैं और देखते हैं कितना ये गाड़ी भागती है। तो पहले इसको हम लोग ले लेते हैं फिफ्थ गियर पे, वहाँ से शुरू करते हैं। तो एक्सेस की सिक्स गियर पे ले लो करके, लेकिन हम लोग आगे से लेंगे। तो अभी जैसे आप देख रहे हो 85-87 पे शुरू किया था हम लोगों ने, समथिंग लाइक दैट 70s पे। एंड देखते हैं ये कितना ज़्यादा भागती है। स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन स्टेबिलिटी है। सीट बेल्ट वगैरह पहन के रखा है, एयरबैग्स है गाड़ी में, बहुत ही बढ़िया है। एसी बहुत बढ़िया चिल कर रही है इस गाड़ी की। जैसे कि आप देख रहे हो 135 पहुंच चुकी है एंड इट सेज कि छठा गियर लगा दो करके। तो भाई लगा दिया है छठा गियर। दिस वार्निंग इज़ फॉर स्पीड, 80 के ऊपर जाती ही जो है कि ये स्पीड वार्निंग देने लग जाती है। तो कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बेहतरीन गाड़ी चल रही है, 146-147 पे हम लोग हैं और हम लोग भगा रहे हैं इसको पूरा फुल थ्रॉटल पे पैर है इन ऑल। तभी ये जैसे प्लेन रोड आ गई है, अभी यहाँ से हम लोग बढ़िया से शुरू करते हैं। एक बार फिर से रेस अप ले करके फर्स्ट गियर से। तो ये गाड़ी मैंने फर्स्ट गियर पे लगा दी है और ये हम शुरू करते हैं। वाह भाई, बेहतरीन एक्सेलरेशन है इसका। और ये सेकेंड गियर पे और ये थर्ड गियर पे एक्सेलरेशन है। फोर्थ गियर पे अभी हम लोग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इट शोज 100 किलोमीटर्स। फोर्थ गियर पे हैं हम लोग, 150-153 क्रॉस कर रहे हैं। एंड फोर्थ गियर पे 164, फिफ्थ गियर पे आ चुके हैं 166-167 और ये 172-173 और ये छठे गियर पे आ चुके हैं अब हम लोग। फाइनल गियर 174 पे जाके 175 गई, ठीक है। लेट्स सी 176 जाती है कि नहीं। वी आर इन आवर लेन और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो ये गाड़ी होल्ड कर रही है अपने आप को। आई थिंक 175 इज इट्स टॉप स्पीड। ओके 177, दैट्स व्हाट वी गॉट, 177 ऑन द टॉप एंड। अब थोड़ा सा धीरे कर लेते हैं बिकॉज टर्न्स आ रहे हैं एंड ऑल। गाड़ी भी आगे है, खाली नहीं रोड। अब भगा के देखते हैं अब इसको कैसा चल रही है। That was all guys, and do like, comment, subscribe guys, do hit like, comment, subscribe। रोक करके थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं हम लोग। इसको जो है न्यूट्रल, गाड़ी ऑफ, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं हम लोग। हज़ार्ड ऑन कर देते हैं इस गाड़ी का और थोड़ा बाहर निकलते हैं और बातें करते हैं कुछ। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा, दिस इज़ अ फेयरली ब्रांड न्यू कार और 177 तक हम लोग ने इसको भगाया था। मेरे बाल ख़राब लग रहे होंगे बिकॉज यू नो वो पहना था ना मैंने टोपी, तो उसकी वजह से लगता है। तो काफ़ी हद तक हम लोग ने भगा लिया इस गाड़ी को, अच्छा खासा भगाया है। एंड आप देख सकते हो गाड़ी के लुक्स, वॉक अराउंड, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये। और
टॉप एंड में इसने हमारे टाटा नेक्सॉन को हरा दिया है, जबकि इसकी पावर कम है, इसकी पावर कम है एक्चुअली नेक्सॉन से, लेकिन स्टिल इसने नेक्सॉन को जो है वो कर दिया है, हरा दिया है। तो दिस इज़ अ क्लियर विनर इन मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स टॉप एंड में, एंड पिकअप के मामले में थोड़ा सा कम है बिकॉज टॉर्क कम है उसके मुकाबले, उसका 250 है और इसका थोड़ा सा कम है टॉर्क। तो हम यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। टिल देन बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नए गाड़ियों के साथ। तब तक लाइक कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करें, बने रहें चैनल पे। अभी और भी कंटेंट्स आने वाला है, मुझे पता है, थोड़ा सा आई एम लैगिंग इन फ्यू थिंग्स, बट यस आई नीड योर सपोर्ट गाइज। तो जैसा आप लोग को सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं थोड़ा इम्प्रूव करता रहूँगा अपने आप को। और शानदार गाड़ी है भाई, शानदार गाड़ी है ये। तो